अभी हमन सोचा थन कि अगर 2 अक्टूबर के हमन ला परमिशन मिला थे तो हमन तो रैली फिर से करबो, अगर नहीं मिला थे तो फिर हमन हा सोचा थन कि सरकार ला पलटी करबो। जय जोहार संगवारी हो, आपन देखा था न्यूज 72 और मैं हूँ सौरभ नायक। जैसे कि आपन देखा तो आज हमन रायपुर कलेक्ट्रेट में हो और यहाँ पर हमन ला रसोईया संघ के पदाधिकारी और आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी विजय झा जी मिल गए तो संग हमन सीधा गोट बात में जुड़ू। दीदी आपन आज कलेक्ट्रेट पहुँचे हो, का विषय लेकर आपन आज रायपुर कलेक्ट्रेट पहुँचे? आज हमर मन के 27 तारीख के धरना प्रदर्शन रही से मगर शासन प्रशासन अनुमति नहीं दीजिए तो हमन कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपो ऐसे करके और आम आदमी से हमर विजय झा सर ला हमन हा ज्ञापन अपन घोषणा पत्र में शामिल करे बर हमन हा आज हमर दादा ला ज्ञापन देवथन ओकर पर पहुंचे हन। आगे के लिए अपन का सोचे हो? अभी अपन चुनाव भी है तो का सोचे हो आगे बढ़ा? अभी हमन सोचा थन कि अगर 2 अक्टूबर के हमन ला परमिशन मिला थे तो हमन तो रैली फिर से करबो, अगर नहीं मिला थे तो फिर हमन हा सोचा थन कि सरकार ला पलटी करबो। काबर की भाई घोषणा पत्र में एक हाथ में गंगा जल के कसम खा के वो का बोली से मोर सरकार आई तो मैं कलेक्टर दर्द हूँ कि आज 5 साल आए हो गए सरकार ला लगभग ओकर सरकार के खत्म होती आने वाला है, आचार संहिता लगने वाला है, फिर भी नहीं दीजिए तो हमार मंत्री रन दूसरा ऑप्शन ही नहीं है सरकार ला पलटी करेंगे। आज अपन कहाँ कहाँ ज्ञापन छोड़े पर गए? आज हमन गए रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह के पास और रविंद्र चौबे के पास गए रहे हैं और अभी आम आदमी के हमार विजय झा सर से हमन हाँ ज्ञापन सौंपे पर आए हैं। तो अपन मुख्यमंत्री निवास गए रहो? नहीं अभी नहीं गए ना, अभी निकल पो। डॉक्टर रमन सिंह के पास अपन गए रहो तो कहाँ कहे वहाँ से कहा आश्वासन मिले? हमन ला यही आश्वासन मिले है मोर सरकार आई तो मैं दूँ ऐसे करके। एक है,